नमस्कार, आज मैं समाज के एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ जिस विषय के बारे में हमारे समाज में और हमारे परिवारों में खुलकर बात ही नहीं की जाती। और इसी संकोच की वजह से आज हमारे देश की 80% महिलाएं रैशेज, रेडिश, खाज खुजली, इनफर्टिलिटी, मेंसेस में रेगुलरिटी ना होना, हार्मोन्स इनबैलेंस्ड, थायराइड, लकोरिया, इन्फेक्शन, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मार्केट में बिकने वाले सिंथेटिक सैनिटरी पैड। आइए देखते हैं लाइव डेमो। ये मार्केट में इस्तेमाल होने वाला सिंथेटिक सैनिटरी पैड है, एक बेल्जियम द्वारा बनाया गया वेल मैजिक सैनिटरी पैड के साथ, जो महिलाओं की सुरक्षा में 100% सहायक है। ये है मार्केट का पैड और ये है बेल्जियम का। इसमें दो चीजों को चेक करेंगे। नंबर एक, इसके पानी को एब्जॉर्ब करने की पावर, और नंबर दो कि इसमें मटेरियल क्या यूज हुआ है, कैसे बनाया जाता है। आइए देख सकते हैं आप कि कुल मात्रा में हमने पानी लिया है। आप देखिए, ये आप देख रहे हैं जितना इसने एब्जॉर्ब करना था ये कर चुका है, पानी और फ्लो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं पानी कैसे, यही लीकेज का कारण बनता है। अब ये पानी ज़्यादा नहीं डाल सकते इसके ऊपर, इतना ही पानी हम बेल्जियम के पैड पर डालते हैं, वेल मैजिक पैड पर। पानी आप देख सकते हैं, पानी यही गीलापन, और इधर एक साइड ये देख सकते हैं आप, ये इसके साथ ही हम इस पर भी हाथ रखेंगे, इसको भी टच करके देखेंगे। आप दोनों के डिफरेंस को देख सकते हैं कि इस हाथ में और इस हाथ में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को इस तरीके से उठा दें तो आप ये देखेंगे कि इसमें पानी गिर रहा है, और ये देखिए आप, इसमें से 1% भी पानी आपको गिरता हुआ नहीं नज़र आएगा। आइए जानते हैं इस पैड के बारे में। पहले इसकी इसी गीलेपन की वजह से और शरीर की गर्मी की वजह से इसकी सतह पर बैक्टीरिया 15 से 18 मिनट में बड़ी तेजी के साथ पैदा होते हैं, और पैदा होने के 5 मिनट बाद ही ये 1,00,000 गुना तक की राशि में बढ़ जाते हैं। जो जब इसको बनाया जाता है तो इसको डी ग्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है, और 6 बार इसको रिसाइकल किया जाता है, और जब 6 बार रिसाइकल किया जाता है तो इसमें डायोक्सिन नाम का टॉक्सिन पैदा हो जाता है जो महिलाओं के लिए साइलेंट किलर का काम करता है। बहुत ही खतरनाक नाम का डायोक्सिन टॉक्सिन है। आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट लेयर कि ये किस चीज़ की बनी हुई है। इसकी फर्स्ट लेयर है, देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं आप, टोटल ही प्लास्टिक देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर ही जब टोटल प्लास्टिक की है, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन के साथ 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल होती है, तो इसके कितने खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं वो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसके बाद हम इसकी सेकंड लेयर को चेक करेंगे, जो इसकी सेकंड लेयर है
ये है जिसे हम प्योर कॉटन नहीं कह सकते, और अगर हम इसमें से पानी को निकालना चाहें तो आराम से पानी, बहुत मात्रा में इसमें पानी निकलेगा। ये इसकी थर्ड लेयर है, ये इसकी थर्ड लेयर है जिसमें से भारी मात्रा में पानी आप देख सकते हैं, और ये इसकी फोर्थ लेयर है जो टोटल ही प्लास्टिक का बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। आइए चलते हैं अब बेल्जियम के वेल मैजिक सैनिटरी पैड पर, इसकी भी एक एक लेयर को चेक करते हैं हम, जो कि 100% कॉटन का बनाया गया है। आइए देखते हैं इसकी फर्स्ट लेयर, ये देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें छोटे छोटे होल्स आपको नजर आ रहे होंगे, और इसको अगर हम टीयर आउट करें तो इजी वे में टीयर आउट हो जाएगा, इजली हम इसको टीयर आउट कर सकते हैं। और ये प्योर कॉटन की बनाई गई लेयर है जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन के साथ टच रहती है, और अगर हम इसमें से पानी को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सेकेंड लेयर है एनियन मेडिकेटेड चिप जो कि ठंडक बनाए रखती है और ऑक्सीजन छोड़ती है, और इसको भी हम इजली टीयर आउट कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाती है। इसके बाद चलते हैं इसकी थर्ड लेयर पर जो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं टोटल कॉटन की, प्योर कॉटन की लेयर है जिसको इजली आप टीयर आउट कर सकते हैं, और अगर इसको भी हम पानी इसमें से भी आप नहीं निकाल सकते। आइए देखते हैं इसकी फोर्थ लेयर, ये आप देख रहे हैं बहुत ही पतली सी एक लेयर आपको नजर आएगी, ये केले की जेली है जो ठंडक बनाए रखती है, इसे केले की जेली बोला गया है जो इसमें डाली गई है और बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद चलते हैं इसकी नेक्स्ट लेयर पर, आप देख सकते हैं कि जेली डाली गई है इसमें, और ये जो है 5 गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करती है मार्केट के पैड से, और पैड को सूखा बनाए रखती है, ड्राइनेस रहती है। और इसके आगे फिर से वही लेयर्स हैं, और नेक्स्ट लास्ट जो इसकी लेयर्स हैं आप देख सकते हैं अच्छे से कि इसको भी हम इजिली टीयर आउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस पैड की तो नॉर्मल पैड से 5 गुना अधिक लिक्विड सोखने की क्षमता रखता है, और यह हमें कई बीमारियों से जैसे इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, हार्मोन्स इम्बेलेंस, रैशेज बढ़ना और रेडिश का होना, लकोरिया, रसोली, इस तरीके की प्रॉब्लम से बचाता है। यह हमें सॉफ्टनेस और फ्रेशनेस फील करवाता है, और महिलाओं का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और यह वेल मैजिक सैनिटरी पैड हमारी बेल्जियन ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लेकर के आई है, और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर